हेलो एवरीवन, आई एम प्रतीक हियर। सो आज के टेक्नोविजन की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ सीक्रेट डोर है टू एंटर इन एवरी कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क में घुसने के लिए अगर सीक्रेट डोर है तो वो हैकर्स के लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि फिर बाद में वो हैकिंग की बहुत सारी चीज़ें उसके साथ कर सकते हैं, लाइक डाटा थेफ्ट या फिर मैलिशियस कोड इंटरप्ट करना, ये सब चीज़ें। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि व्हाट इज बैकडोर। बैकडोर मींस वो सीक्रेट डोर क्या होता है और वो कैसे बनता है। सो लेट्स सी गाइस। ओके, तो अभी इस चीज के लिए बैकडोर समझने के लिए हमें पहले पोर्ट्स क्या क्या होते हैं और सर्विसेज क्या, वो समझना इम्पोर्टेंट है। सो आई विल गिव अ लिंक ऑफ माय वीडियो फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट पोर्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो आप वहाँ पे उस वीडियो में चेक कर सकते हैं कि पोर्ट्स वर्क कैसे करते हैं या फिर पोर्ट क्या होता है। अगर कोई अभी नया ही ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए बता दूं कि पोर्ट मीन्स इट्स लाइक अगर आपके पास घर है और घर में बहुत सारे एंट्रेंस डोर्स है फॉर एनी सर्विसेज, लाइक आपको बाहर जाने आने के लिए एक डोर है, आपको सामान लाने के लिए आपके घर में एक डोर है, एक हमारे पास विंडोज है फॉर लाइक हमें हवा के लिए या फिर धूप के लिए। सो ऐसी चीज़ों को हम कंप्यूटर में पोर्ट्स बोलते हैं टू, लेकिन डेटा लाने के लिए या फाइल ट्रांसफर्स करने के लिए तो ये पोर्ट्स होते हैं। तो बैकडोर में ये पोर्ट्स का सबसे मेन ज़रूरत होती है। तो बैकडोर मतलब क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में सब चीज़ें पहले से ही प्रीडिफाइंड होती है। सो सॉफ्टवेयर्स डाले होते हैं, सब चीज़ें होती है, लेकिन वो सब डॉक्यूमेंटेड होता है कि कौन से पोर्ट्स है या सब चीज़ें। तो बैकडोर मतलब क्या कि अनडॉक्यूमेंटेड, बैकडोर मीन्स अनडॉक्यूमेंटेड पोर्टल फॉर एनी कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि ऐसा दरवाजा है कि जो उस कंप्यूटर वाले को जिसका वो कंप्यूटर है या फिर वो नेटवर्क जिसका है उसको पता ही नहीं है कि वो वहां पे है वो डोर। वैसा डोर क्रिएट करना उसको बोलते हैं बैकडोर बोलते हैं। सो बैकडोर के दो टाइप्स होते हैं, मतलब दो टाइप्स में अटैक होता है। इट्स लाइक फर्स्ट लाइन बैकडोर जिसमें सिर्फ वो क्रिएटेड होता है बैकडोर, इट्स लाइक एंट्री पॉइंट। अगर हैकर को उसके अंदर जाना है तो उसके लिए वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाना है तो उसमें वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होगा कि सिर्फ एक्सेस करने के लिए वो कंप्यूटर सिस्टम। और सेकंड होता है कि सेकंड लाइन बैकडोर, उसको बोलते हैं CNC, लाइक कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल फॉर हैकर्स। मीन्स उसमें वो फिर उस कंप्यूटर सिस्टम पे कमांड कर सके या फिर उसको पूरा कंट्रोल कर सके। सो इसको कहते हैं, ये दो टाइप्स में अटैक होता है बैकडोर्स को यूज करके। सो मोस्टली बैकडोर में होता क्या है, तो रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स या फिर रिमोट एक्सेस टूल्स यूज होते हैं कि हम रिमोटली उस कंप्यूटर का एक्सेस ले सके और उसके बाद हम उसको कमांड या फिर कंट्रोल कर सके। सो बैकडोर्स के अगर हम देखें तो बैकडोर्स का अगर आपको रेफरेंस लेना है या फिर पता होगा, आपने अगर न्यूज पढ़ी होगी, तो इन 2013 एक इंजीनियर था या फिर एक हैकर था एडवर्ड स्नोडेन नाम का, जिसके लाइफ पे स्नोडेन नाम की एक मूवी भी आई हुई है। वो NSA में था, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में, एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, IT एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है या फिर हैकर्स के लिए। तो उसने USA में, तो उसने बताया, बहुत लोगों को बताया कि NSA बिना किसी को बताए हर एक सिस्टम्स में बैकडोर क्रिएट कर रही है सो वो लोगों पे स्पाई कर सके या फिर सब पे देख रेख कर सके। तो एखादी सिक्योरिटी एजेंसी इतनी खुफिया ऐसी चीज़ें कर रही है और अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं, या फिर अगर गवर्नमेंट को पता है लेकिन लोगों को ही पता नहीं कि आपके क्या फ़ोन को कोई हैक कर रहा है या फिर आप पे कोई कंटिन्यूसली नज़र रख रहा है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये चीज़ें वो एडवर्ड स्नोडेन ने बताई, उसको विसल ब्लोअर भी नाम दिया गया। सो उसने क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था कि NSA मतलब क्या करते थे वहाँ पे, सिस्को या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो
बाहर की कंट्रीज को कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड जो प्रोडक्ट भेजते थे, मतलब राउटर्स हो सके, सर्वर्स या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के एडाप्टर्स, ये सब चीजें, तो ये क्या करते थे, इसको एनएसए इंटरप्ट करता था। मतलब वो जब वो उसका शिपमेंट जाएगा उससे पहले वो एनएसए उसको पकड़ता था और उसमें बैक डोर्स सेट करके रखता था। तो उसके वजह से फिर क्या होता था, और वो जब दूसरी कंट्री में डिलीवर हो जाएंगे उसके बाद, तो उसमें जैसे अभी हमने देखा कि फर्स्ट लाइन बैकडोर होता है तो उसमें पहले से रहेगा। मतलब वो एंट्री पॉइंट अगर वो एनएसए को मिल जाएगा कि कभी भी अगर बाहर के कंट्री में वो प्रोडक्ट गया और वहाँ पे वो परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे उन सब पे वो नजर रख सकते। तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्रीडम है उसके लिए ये घातक है। सो ये चीजों का जो हो रहा है वो बैकग्राउंड वो सब एडवर्ड स्नोडेन ने बताया कि कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था एक्स की फोर्स नाम का। तो एक्स की फोर्स मतलब क्या, कि रियल टाइम में, मतलब अभी कोई आप सर्च कर रहे हो कुछ भी इंजन में, सर्च इंजन में सर्च कर रहे हो, वेब ब्राउजर एक्सेस कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक्स की फोर्स में अगर कोई भी कीवर्ड भी सिर्फ डाला ना तो उससे रिलेटेड जो भी सर्चेस हो रहे हैं वेबसाइट्स पे वो डायरेक्टली उनको दिखेंगे हर एक पर्सन के। तो वो सब चीजें एडवर्ड स्नोडेन ने दिखाई। तो ये होता है बैकडोर की, मतलब किसी भी हैकर को एंट्री पॉइंट टू हैक समथिंग। सो उसके बाद होता है क्या, तो ये बैकडोर तो एग्जैक्टली मैंने बताया कि पोर्टल यूज करता है या फिर पोर्ट्स यूज करता है, तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। तो उसमें ये क्या करते हैं, पर्टिकुलरली अभी 8080 या फिर 8081 या फिर 8888 ऐसे पोर्ट्स है बहुत सारे, 444, 8021, तो ये पोर्ट्स होते क्या है, ये कॉमन पोर्ट्स है मोस्टली, ये सब जगह पे यूज होते। तो होता क्या है, अगर आप कोई सस्पिशियस पोर्ट्स यूज कर रहा है तो वो डायरेक्टली हमारा फायरवॉल जो होता है अपने प्रोटेक्शन के लिए कंप्यूटर में वो डिटेक्ट कर लेता है। तो ये जो इतने कॉमन पोर्ट्स है कि जो नॉर्मल वेब सर्वर के लिए या फिर फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, इसको हम मोस्टली क्या करते हैं कि फायरवॉल जो होता है अपना उसमें हम एक्सेप्शनल के लिए रख देते हैं कि ये पोर्ट्स हमको जरूरी है, इसमें से कोई भी हो जाए डेटा तो ठीक है। तो उसका यूज करके ही बैकडोर क्रिएट होता है, मतलब एक सीक्रेट डोर हम इंडायरेक्टली बना लेते हैं कंप्यूटर में उस टनल थ्रू, लाइक 8888 इज लाइक अ टनल कि जहां से हम बहुत सारे मालवेयर्स वहां पे भेज सकते हैं या फिर डाटा थे चोरी कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये बैकडोर क्रिएट कैसे करते हैं या फिर कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं बैकडोर, जिससे हम अगर किसी के कंप्यूटर सिस्टम में ये बैकडोर डाला तो हमें उसका एक्सेस करते आए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक इट, एंड अगर आपको कुछ फीडबैक्स देने हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड अगर ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोज़ आपको देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है जो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।